अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं आईवी टीवी। बिहार में फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली हालत बनी हुई है, और ये हालत किस चीज़ को लेकर बनी हुई है? तो ये हालत बनी हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर। अभी तक नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, लेकिन पहले से ही हर कोई मुख्यमंत्री बनने की होड़ मचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार बात इसमें यह है कि विपक्ष ये होड़ नहीं मचा रहा, अपने ही महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो लगातार कोई खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रहा है तो कोई खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रहा है। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि 2025 के चुनाव का नेतृत्व महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव करेंगे। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा इससे नाराज हो गए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले से बंडी वंडी पहनकर तैयारी कर रखी थी कि इस बार तो कुर्सी अपने हिस्से ही आएगी, कुर्सी जाने वाली कहाँ है। लेकिन ऐसे में जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, उपेंद्र कुशवाहा बिदक गए और उसकी लड़ाई अभी तक देखने को मिल रही है। कल बैठक के बाद ही पता चलेगा कि इस लड़ाई का क्या और अंत निकला है। अब इन सब के बीच जीतन राम मांझी भी मैदान में कूद गए हैं, यानी कि उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है बल्कि उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। जी हां, संतोष सुमन को लेकर लगातार जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा योग्य है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी पर निशाना साधा है। भले ही तेजस्वी का नाम ना लिया हो, लेकिन कह दिया है कि कुछ लोगों को मेरा बेटा पढ़ा सकता है, वो इतना पढ़ा लिखा है। कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको मेरा बेटा पढ़ाने का काम कर सकता है। वैसे में इसी बात पर चर्चा करने के लिए कि ये जो फिलहाल एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के अंदर, ये कैसे इन लोगों को वापस से सत्ता में ला पाएगी और घटक दल आखिर कब तक एक साथ रह पाएगा, महागठबंधन में कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, या यूं कहें तो कब जाकर ये महागठबंधन टूट जाएगी। वैसे मैं एक तरफ ज्ञानेंद्र सर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ, और दूसरी तरफ मेरी सहयोगी निशा हैं। इन दोनों से जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल जो है बिहार की राजनीति में चल रहा है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। ज्ञान सर, विपक्ष की तो कोई भूमिका ही नहीं रह गई, अपने में ही अगर हम लड़ रहे हैं तो विपक्ष मजबूत है कमजोर है, इन तमाम चीज़ों को देखने का समय कहाँ है? हम तो खुद की कमजोरी खुद ही विपक्ष को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ विपक्ष का कोई मामला सामने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष तो जान रहा है कि अभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं कुर्सी पाने को लेकर। एक और कहीं मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर कहीं से देखा जा रहा है तो उप मुख्यमंत्री के लिए लोग अपना पेशकश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो अभी तक नीतीश कुमार जो कि चुप्पी साधे हुए, शायद इसका ही फायदा लोग उठाना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि आज महागठबंधन में टूट की नज़र सामने देखने को आ रही है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष के भी कई लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं लेकिन अलग तरीके से वो बोल रहे हैं कि हो ना हो, जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार गिर जाए और मध्यवर्ती चुनाव हो सकती है। जिस तरह से आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह अपने पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार के पास गए, तो कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात हुई होगी, उन्हें कुछ ऑफर दिया गया होगा तभी उन्होंने पार्टी को विलय किया, क्योंकि वो काफ़ी प्रयास के बाद अपने RLSP को उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन कोई पार्टी खड़ा करता है उसके बाद किसी पार्टी में विलय कर देना तो ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील होने की बात है। आज वो डील जो है कि अब देखिए, जब नीतीश कुमार 2 महीना पहले जब ये बात उन्होंने खुले मन से कह दिया कि तेजस्वी यादव को प्रमोट करना है और उन्हें 2025 के चुनाव के लिए नेतृत्व उन्हीं के सौंपने की बात हुई, उनको आगे बढ़ाने की बात हुई, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चलने लगे। हालांकि इसके पहले तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई भी बगावत वाला रोल था नहीं नीतीश कुमार के पीछे। अब देखिए उनके साथ जो है अब नीतीश कुमार के खिलाफ वो है एक बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद क्या निर्णय होगा ये तो अब जदयू का आलाकमान ही समझ पाएगा या कर पाएगा। लेकिन अब उसी बीच देखिए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार मौका दिया और कुछ दिनों के लिए लगभग 9 महीने के लिए उन्हें CM का पद भी दिया, लेकिन अब जिस तरह से महागठबंधन में अभी 7 दल हैं, घटक दल हैं, उसमें 4 लोग जो हैं दावेदारी ठोक रहे हैं। एक तेजस्वी यादव हो गए,
अब जीतन नामा जी अपने बेटे संतोष सुमन को बनाना चाह रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी लगे हुए हैं, तो उधर अब कांग्रेस भी देखिए कि कांग्रेस अभी तक जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी तो चार मंत्री का दावा पहले से वो कर लगातार कर रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ मंत्रिमंडल में उनकी ओर से दो को शामिल किया गया। लेकिन मैंने तो कल देखा कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बैनर लगा था उस पर साफ साफ लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, ये भी नहीं कि कहीं उसे छुपाया जा सकता, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए या फिर दो मंत्री चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए वो खुल करके नहीं बोलना चाह रहे हैं या मीडिया के सामने इस बातों को नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तो कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। आखिर बैनर पे लिखने का तात्पर्य क्या है? तो ये कहीं ना कहीं से पूरी तरह से नीतीश कुमार को डैमेज कंट्रोल करने का एक साजिश भी रचा जा सकता है, जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। सुधाकर सिंह का मामला हो चाहे फिर डॉक्टर चंद्रशेखर का मामला हो, अब देखिए जिस तरह जीतन रामा जी लगातार कई बार शराब के मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमला किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये घटक दल जो हमलावर बने हुए हैं नीतीश कुमार पर और उन पर किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में बीजेपी को या विपक्षी दलों को निश्चित रूप से फायदा होगा। और ये भी कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जिस तरह से अभी का माहौल बना हुआ है उस स्थिति में सरकार भी गिर सकती है। जी, सरकार गिरने की जहां तक बात है, सरकार गिरने को लेकर लगातार ये लग रहा है और लगातार ये बोला भी जा रहा है कि तेजस्वी की ताजपोशी की जाए। लालू यादव के बाहर आने के मतलब सिंगापुर से वापस आने के बाद जैसे ही वो दिल्ली आते हैं उसके बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि तेजस्वी का नाम आने के बाद ही लोगों में इस तरह का विरोध आई है और सभी लोग का विरोध तेजस्वी से ही है। जी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है ज्ञान सर कि तेजस्वी के नाम से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कह दिया कि तेजस्वी कैबिनेट विस्तार देखेंगे। कांग्रेस तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं ठोक रही है, उप मुख्यमंत्री पद तो चाहिए उन्हें भी, क्योंकि वही उपेंद्र कुशवाहा वाला राग अलापने वाला बात हो गया, जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए के समय में जब एनडीए की सरकार थी बिहार में तो दो मुख्यमंत्री पद अगर थे तो अभी क्यों नहीं रह सकता, जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, हम कोई मठ के साधु वाधु तो है नहीं कि हम नहीं बन सकते उप मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कहीं ना कहीं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो बता रहे हैं कि कई ऐसे नेता, हम कई बार पार्टी कार्यालय लगभग महागठबंधन के सभी पार्टी कार्यालयों में जाते हैं, हालांकि कैमरे के सामने लोग नहीं बोल रहे हैं। कल भी मुझे कांग्रेस में एक दो लोग थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमसे कुछ बातें हो रही थी जहां पर ये बातें खुल करके आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है ये संकेत दिया जा रहा है कि ये बातें अंदर की ही है जो हमारे तक आप पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है जी। अंदर से ही कहीं ना कहीं बात आती है, वो मुझे बताते हैं और मैं दर्शकों को बताता हूं। खैर, अब अंदर की बात तो अंदर रह भी नहीं गई है क्योंकि चीजें अब साफ तौर पर सार्वजनिक हो रही है, या तो कोई प्रवक्ता आकर सामने बोल देते हैं या तो कोई नेता आकर सामने बोल देते हैं। होता क्या है कि अगर किसी कमेटी में बैठा करके अगर बैठक की जाती है किसी के नेतृत्व में, तो उस अगर कमेटी में सात मेंबर हैं तो स्वाभाविक है कि सात मेंबर जो हैं वो अपने किसी कलीग को ये बातें बताते होंगे बैठक की, और उसके थ्रू ही ये बात बाहर जाती है। तो उसी अनुसार मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी कई जगह से ये बातें सामने देखने को मिल रही है, तभी मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि सरकार गिरने की खतरा बनी हुई है। कारण है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, कांग्रेस, हालांकि इसमें अभी भाकपा माले किसी तरह से शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज एक बार देखिए कि फिर आज कार्यक्रम था, महाधिवेशन था भाकपा माले का, नीतीश कुमार पहुंचते हैं, नीतीश कुमार ने हालांकि खुले मन से कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का ये नहीं है लेकिन भाजपा को हराना है, हम लोगों को एकजुट होना है, तो कांग्रेस की ओर उन्होंने तो साफ इशारा किया कि आप आला कमान को कहिए कि थोड़ा सहयोग करें। इसका मतलब क्या है कि आप विपक्षी दलों को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका भाव नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इसका कारण ये भी मान सकते हैं कि जब आप सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं और आप महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जहां आपका वैल्यू एक स्टेट में नहीं है, तो फिर आपको कंट्री लेवल पे कैसे माना जाएगा। आप पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और बिहार में एकजुटता नहीं दिख रही है, वो एकजुटता जो महागठबंधन में होनी चाहिए, जो आप सात दल को आप एकजुट नहीं रख सक रहे हैं, तो आप पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट कर लेंगे।
स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर यहाँ पर नहीं जोड़ पा रहे हैं, उन लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं जो आपके साथ महागठबंधन में हैं, तो आप पूरे देश को, देश के विपक्ष को किस मुंह से जोड़ने जा रहे हैं? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरे देश का विपक्ष आपके साथ आ जाएगा, आप पूरे देश के विपक्ष को एक साथ जोड़ लेंगे? क्योंकि यहाँ बिहार में जो स्थिति है वो साफ तौर पर तो ये दिखा रही है कि आप किसी के साथ सही से जुड़कर नहीं बैठे हुए। देखिए, ये हकीकत है, कहा जाता है कि बिहार और यूपी की राजनीति सही देश की राजनीति है जी, वही तय करता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। और जहाँ पे अभी आप देख रही हैं, सरकार बनती है गिर जाती है, सरकार बनती है गिर जाती है, तो आपका इमेज तो पहले ही से खराब हो चुका है। आप साथ साथ दल बना करके सरकार चला रहे हैं जी। वो साथ जो दल हैं उसमें आपसी एकता नहीं है, वो लगातार आप पे ही हमलावर हैं, सीएम पे हमलावर हैं, और आप हैं कि देश की एकता की बात कर रहे हैं जी। तो आप तो पहले अपने इस महागठबंधन के दलों के, घटक दलों के जो नेता हैं उन्हें तो आप संगठित कीजिए कि आप मेरे खिलाफ, जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे, लोगों को ये जाने लगेगा संदेश कि मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा रहा है। चूँकि विपक्ष का तो मुद्दा ही होता है बोलना, उसका काम होता है बोलना, पक्ष को घेरने का। लेकिन अगर मान लीजिए आप सत्ता दल के हैं और सत्ता दल के ही नेता अगर आपकी उंगली उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में खामियां नजर आ रही है। जी जी, निशा आपके पास मैं आऊंगी। सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, वैसे में जैसा ज्ञान सर ने कहा कि विपक्ष का काम होता है हमला करना, सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन यहाँ विपक्ष सवाल नहीं उठा रही, यहाँ जो है पक्ष वाले ही सवाल उठा रहे हैं, जो घटक दल है वही सवाल दाग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ पार्टी पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, ऐसा नहीं कि आरजेडी वाले जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं या फिर हम वाले जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू वाले आरजेडी पर सवाल उठा, या सीधे सीधे नीतीश कुमार को पॉइंट आउट किया जा रहा है, उनके ऊपर सवाल दागा जा रहा है। किसी की भी ओर से दागा जाए तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर दागा जा रहा है, फिर भी इन तमाम चीजों के बीच नीतीश कुमार चुप है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां सुधाकर सिंह लगातार ये भी कह रहे हैं, बीते दिनों उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उन्हें कोई सो कॉज मतलब वापस से फिर नहीं किया गया, कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर वे लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उन्होंने बीते दिनों खुला मतलब एक पत्र भी लिखा नीतीश कुमार को, साथ ही साथ उसमें ये लिखा कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर जनता के बीच देख लीजिए, कोई भी आपका पसंद का क्षेत्र है उसे चुनने का काम कीजिए और देखिए वहां जाकर फरियाइए कि आपको कितना यहां से समर्थन मिलेगा। यानी कि सुधाकर सिंह जो है वो लगातार नीतीश पर हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राजद जो है वो अभी भी लालू यादव के आने का इंतजार कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि राजद कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह को साफ तौर पर मौका दे रहा है कि जो बोलना है बोलो। लेकिन बात ये भी तो है ना, लालू यादव तो भारत लौट चुके हैं और कहीं ना कहीं वो वहां से मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें इन सारी चीजों की जानकारी है। मॉनिटरिंग की बात रहे निशा, तो वो सिंगापुर से भी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, उन्हें सारी चीजों की जानकारी है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात कि इसके बीच में भी जब नोटिस दिया जाता है, सो कॉल्ड नोटिस दिया जाता है, नोटिस के जवाब आए हुए भी इतना समय हो जाता है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि वो नोटिस जो था बस दिखावे के लिए दिया गया था। राजद या नीतीश कुमार को दिखाना चाह रही थी, या फिर कहें तो बिहार की जनता को दिखाना चाह रही थी कि हम इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई इस तरह का बिहेवियर रखता है तो हम स्ट्रिक्ट हैं। अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में जो हालत बनी है वो कुछ ऐसी हालत है कि पानी में मछली के नौनों को हिस्सा, यानी कि अभी मछली जो है वो पानी में ही है, लेकिन उसका जो बंटवारा है वो यहाँ पर हो चुका है। अभी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, हो सकता है कि उनका प्रधानमंत्री बनने वाला सपना टूट जाए, वो जागे, होश में आए और वो वापस से कह दे कि हम तो भाई हम ही नेतृत्व करेंगे। कुर्सी कुमार उनको कहा जाता है, और वैसे में कुर्सी वो कैसे जाने देंगे, अगर उनको केंद्र की कुर्सी नहीं मिलती है तो बिहार की कुर्सी पर तो काबिज होना चाहेंगे ही। अब वैसे में इधर तेजस्वी यादव हल्ला मचा के रखे हैं, उधर अब जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र सामने आ गए हैं, तो ये घटक दल आपस में ही क्या चुनाव लड़ेगा? क्या ये घटक दलों में ही अलग अलग से चुनाव होगा कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा? विपक्ष की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर घटक दल ही सब कुछ तय कर लेगा। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे आईवी टीवी के साथ, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।